सो गाइस, क्या आप ही चाहते हो इतना ही बढ़िया आलीशान 3 BHK फ्लैट जिसका सोफा सेट, जिसका हॉल इतना ज्यादा इंप्रेसिव हो कि आपके गेस्ट एंटर करते के साथ ही बोले यार वाओ मजा आ गया। तो दोस्तों वैसे ही फ्लैट में आज आपके लिए लेकर आया हूँ जो सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सकता है गणपति होम्स में। यहाँ दोस्तों द्वारका मोल मेट्रो स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर के डिस्टेंस के अंदर काफी बढ़िया इंडिपेंडेंट 3 BHK फ्लैट, जिसके अगर एरिया की बात करी जाए तो 130 गज के अंदर बना हुआ है दोस्तों आलीशान इंडिपेंडेंट 3 BHK फ्लैट, जिसमें लिफ्ट, कार पार्किंग की फैसिलिटीज आपको मिल जाती है, ऑन रोड साइड प्रॉपर्टी है दोस्तों, और कम से भी कम 30 फुट के चौड़े रोड के बिल्कुल पास में। तो गाइस यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो कि इतना आलीशान, जिसमें किचन, इसका किचन ही जितना आलीशान हो दोस्तों, तो ये इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी इतने ज्यादा अच्छे स्पेस के साथ, वो भी एल टाइप का 3 BHK फ्लैट है जो गणपति होम्स के अंदर ही आपको मिल सकता है। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहना दोस्तों, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा अफोर्डेबल रेट के साथ ये प्रॉपर्टी आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो गाइस, आपका स्वागत है सिनेमैटिक शो में। तो आपने देख लिया होगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो कॉरिडोर आप देख रहे हो ये काफी ज्यादा लॉन्ग कॉरिडोर इसके अंदर आपको मिल जाता है। ऊपर आप देख सकते हो कि बहुत ही बढ़िया जो है LED लाइट्स इसके अंदर डिजाइन करके लगवाई हुई है, और काफी ज्यादा अच्छे और लॉन्ग स्पेस के साथ जो है अलग अलग बिल्कुल सेपरेट 3 BHK के फ्लैट में आपको बेडरूम मिल जाते हैं दोस्तों। तो कॉरिडोर से हम पहले एंटर करते हैं, एंटर करते के साथ ही सबसे पहले हमारे देखने को मिलता है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा किचन यार, जो लेडीज की सबसे पहली प्रेफरेंस रहती है किचन। तो किचन में आप देख सकते हो कि काफी बढ़िया जो है मिरर के कैबिनेट्स जो है गोल्डन प्लेटेड के साथ मिरर कैबिनेट्स मिलते हैं। ऊपर आप प्रोफाइल लाइट्स देख सकते हो कि गोल्डन कलर की प्रोफाइल लाइट्स के साथ इसको डिजाइन किया हुआ है, और साथ में शार्प दिव्य वेंटिलेशन के लिए कि जिसमें पूरी प्रॉपर वेंटिलेशन इसके अंदर आपको मिलती है। तो गाइस पूरा जो है किचन का व्यू आपने देख लिया है कि एल टाइप का काफी ज्यादा अच्छे और बड़े स्पेस के साथ जो है ये ओपन किचन इसके अंदर आपको दिया जाता है। और यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चिमनी का स्पेस जो है इंस्टॉलेशन स्पेस अलग से हमने दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक चिमनी भी इसके अंदर हम आपको लगाकर देंगे। तो किचन का व्यू आपने देख लिया है। ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक जो है लैंप जो है काफी प्यारा खूबसूरत जो है गोल्डन लाइट के साथ जो लैंप इसमें दिया हुआ है काफी बढ़िया खूबसूरती के साथ लैंप इसमें मिल जाता है। अब रही बात यार किचन जो है, किचन तो आपने देख लिया, किचन काफी बड़ा इसके अंदर आपको दिया जा रहा है, नो डाउट किचन काफी बढ़िया है, और वेंटिलेशन के लिए विंडो भी दी हुई है यार, बट रेफ्रिजरेटर कहाँ रखी हुई है दोस्तों? रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस मैं आपको बता देता हूँ कि रेफ्रिजरेटर भी अलग से यहाँ पर जो आप देख सकते हो कि रेफ्रिजरेटर का स्पेस जो है यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो रेफ्रिजरेटर जो है वो आप अपने यहाँ पर लगा सकते हैं, और साथ में जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो ये कॉरिडोर है आपके अलग अलग बेडरूम्स के लिए। तो जैसा कि आप एक 5-स्टार होटल में स्टे करते हो, रुकते हो, तो वैसा ही फील इस इंडिपेंडेंट एल टाइप के 130 गज के 3 BHK फ्लैट में आपको देखने को मिलने वाला है। गाइस वीडियो में बने रहो क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलती है? गणपति होम्स। बिल्कुल सही कहा, गणपति होम्स के अंदर। तो चलो अब चलते हमारे ड्राइंग रूम में। तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत आपको एल टाइप का सोफा सेट देखने को मिलता है। गाइस आप देख सकते हो एल टाइप के सोफे सेट के साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हो गोल्डन प्लेटेड आर्टिफिशियल टेक्सचर के साथ, यहाँ पर प्रोफाइल लाइट्स के साथ, गोल्डन प्लेटेड मिरर के साथ, इस बोल्ड के अंदर PVC वर्क के साथ कितने सारे अलग अलग क्वालिटी के वर्क इसके अंदर करवा के दिए हुए हैं बोल्ड में, जो इसकी खूबसूरती को एनहांस करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि PVC वर्क के साथ प्रोफाइल लाइट्स का जो टेक्सचर आप देख रहे हो दोस्तों, ये प्रोफाइल लाइट्स का जो टेक्सचर है अधिकतर आप किसी क्लब में या विला में या कहीं किसी लग्जरियस होटल के एक रिजोर्ट में अगर आप रुकते हो तो वहाँ पे जो हॉल होता है, वहाँ पे जो सिटिंग प्लेस होता है, उसी तरीके का जो डिजाइन उसके अंदर का स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही माइंड में रखते हुए इस पूरे के पूरे हॉल को डिजाइन किया हुआ है। और साथ में यहाँ पर भी पूरी प्रॉपर वेंटिलेशन है, तो विंडोज भी दी हुई है वेंटिलेशन के लिए। तो आप देख सकते हो कि पूरी प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए विंडो दी हुई है, और यहाँ पर आपकी एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखते हुए
एलईडी पैनल काफी प्यारा इसके अंदर आपको दिया हुआ है, काफी बिग स्पेस के साथ एलईडी पैनल इसमें आपको मिल जाता है विद पीवीसी बल्ब के साथ। तो आप देख सकते हो पीवीसी बल्ब के साथ एलईडी पैनल आपको दिया जाता है। ऊपर जो है फोर सीलिंग के साथ आप देख सकते हो कि दोनों तरफ आपको फैन मिल जाते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत सैंडलेयर जो है इसके अंदर आपको दिया हुआ है व्हाइट कलर का, जो काफी इसकी खूबसूरती को एनहांस करता है और पूरे के पूरे इस ड्राइंग रूम को एक लग्जरी और एक लॉयल फील जो है इस रूम के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो ड्राइंग रूम आपने देख लिया है, किचन भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो मैं आपको एक चीज और दिखा दूं कि आपने एंट्रेंस डोर तो कई सारे देखे होंगे बट इस गोल्डन प्लेटेड एंट्रेंस डोर की बात ही कुछ और है गाइस। आप देख सकते हो कि इतना प्यारा खूबसूरत जो है डोर। सो गाइस आपका स्वागत है सिनेमैटिक शो में, तो आपने देख लिया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो कॉरिडोर आप देख रहे हो ये काफी ज्यादा लॉन्ग कॉरिडोर इसके अंदर आपको मिल जाता है। ऊपर आप देख सकते हो कि बहुत ही बढ़िया जो है एलईडी लाइट्स इसके अंदर डिजाइन करके लगाई हुई है और काफी ज्यादा अच्छे और लॉन्ग स्पेस के साथ जो है अलग अलग बिल्कुल सेपरेट 3BHK के फ्लैट में आपको बेडरूम मिल जाते हैं दोस्तों। तो कॉरिडोर से हम पहले एंटर करते हैं, एंटर करते के साथ ही सबसे पहले हमारे को देखने को मिलता है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा किचन यार, जो लेडीज की सबसे पहली प्रेफरेंस रहती है किचन। तो किचन में आप देख सकते हो कि काफी बढ़िया जो है मिरर के कैबिनेट्स जो है गोल्डन प्लेटेड के साथ मिरर कैबिनेट्स मिलते हैं। ऊपर आप प्रोफाइल लाइट्स देख सकते हो कि गोल्डन कलर की प्रोफाइल लाइट्स के साथ इसको डिजाइन किया हुआ है और साथ में शार्प दी हुई है वेंटिलेशन के लिए कि जिसमें पूरी प्रॉपर वेंटिलेशन इसके अंदर आपको मिलती है। तो गाइस पूरा जो है किचन का व्यू आपने देख लिया है कि एल टाइप का काफी ज्यादा अच्छे और बड़े स्पेस के साथ जो है ये ओपन किचन इसके अंदर आपको दिया जाता है। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चिमनी का स्पेस जो है इंस्टॉलेशन स्पेस अलग से हमने दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक चिमनी भी इसके अंदर हम आपको लगाकर देंगे। तो किचन का व्यू आपने देख लिया है। ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक जो है लैंप जो है काफी प्यारा खूबसूरत जो है गोल्डन लाइट के साथ जो लैंप इसमें दिया हुआ है काफी बढ़िया खूबसूरती के साथ लैंप इसमें मिल जाता है। अब रही बात यार किचन जो है, किचन तो आपने देख लिया, किचन काफी बड़ा इसके अंदर आपको दिया जा रहा है, नो डाउट किचन काफी बढ़िया है और वेंटिलेशन के लिए विंडो भी दी हुई है यार, बट रेफ्रिजरेटर कहाँ रखी हुई है दोस्तों? रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस मैं आपको बता देता हूँ कि रेफ्रिजरेटर के लिए अलग से यहाँ पर जो आप देख सकते हो कि रेफ्रिजरेटर का स्पेस जो है यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो रेफ्रिजरेटर जो है वो आप अपने यहाँ पर लगा सकते हैं और साथ में जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो ये कॉरिडोर है आपके अलग अलग बेडरूम्स के लिए। तो जैसा कि आप एक 5-स्टार होटल में स्टे करते हो रुकते हो तो वैसा ही फील इस इंडिपेंडेंट एल टाइप के 130 गज के 3BHK के फ्लैट में आपको देखने को मिलने वाला है। गाइस वीडियो में बने रहो क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलती है? गणपति होम्स। बिल्कुल सही कहा, गणपति होम्स के अंदर। तो चलो अब चलते हमारे ड्राइंग रूम में। तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत आपको एल टाइप का सोफा सेट देखने को मिलता है। गाइस आप देख सकते हो एल टाइप के सोफे सेट के साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हो गोल्डन प्लेटेड आर्टिफिशियल टेक्सचर के साथ यहाँ पर प्रोफाइल लाइट्स के साथ गोल्डन प्लेटेड मिरर के साथ इस बोल्ड के अंदर पीवीसी वर्क के साथ कितने सारे अलग अलग क्वालिटी के वर्क इसके अंदर करवा के दिए हुए हैं बोल्ड में जो इसकी खूबसूरती को एनहांस करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि पीवीसी वर्क के साथ प्रोफाइल लाइट्स का जो टेक्सचर आप देख रहे हो दोस्तों, ये प्रोफाइल लाइट्स का जो टेक्सचर है अधिकतर आप किसी क्लब में या विला में या कहीं किसी लग्जरियस होटल के एक रिजोर्ट में अगर आप रुकते हो तो वहाँ पे जो हॉल होता है वहाँ पे जो सिटिंग प्लेस होता है उसी तरीके का जो डिजाइन उसके अंदर का स्ट्रक्चर होता है वैसा ही माइंड में रखते हुए इस पूरे के पूरे हॉल को डिजाइन किया हुआ है। और साथ में यहाँ पर भी पूरी प्रॉपर वेंटिलेशन है तो विंडोज भी दी हुई है वेंटिलेशन के लिए। तो आप देख सकते हो कि पूरी प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए विंडो दी हुई है और यहाँ पर आपकी एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखते हुए एलईडी पैनल काफी प्यारा इसके अंदर आपको दिया हुआ है, काफी बिग स्पेस के साथ एलईडी पैनल इसमें आपको मिल जाता है विद पीवीसी बल्ब के साथ। तो आप देख सकते हो पीवीसी बल्ब के साथ एलईडी पैनल आपको दिया जाता है। ऊपर जो है फोर सीलिंग के साथ आप देख सकते हो कि दोनों तरफ आपको फैन मिल जाते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत सैंडलेयर जो है इसके अंदर आपको दिया हुआ है व्हाइट कलर का, जो काफी इसकी खूबसूरती को एनहांस करता है और पूरे के पूरे इस ड्राइंग रूम को एक लग्जरी और एक लॉयल फील जो है इस रूम के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो ड्राइंग रूम आपने देख लिया है, किचन भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो मैं आपको एक चीज और दिखा दूं कि आपने एंट्रेंस डोर तो कई सारे देखे होंगे बट इस गोल्डन प्लेटेड एंट्रेंस डोर की बात ही कुछ और है गाइस। आप देख सकते हो कि इतना प्यारा खूबसूरत जो है डोर। सो गाइस अब आप ये बेडरूम देखें कितना ज्यादा प्यारा और खूबसूरत लुक जो है इस बेडरूम का आपको देखने को मिलता है और काफी प्यारा व्यू है जो इसमें आपको दिखाया जा रहा है दोस्तों। तो काफी बढ़िया चीजें हैं जो इस बेडरूम में आपको देखने को मिलती है। मैंने लाइट ऑन कर दिया है, आप देखिए 6x6 का बेड लगाने के बाद भी बहुत ही प्यारी जो है गोल्डन प्लेटेड वॉल फोल्डिंग इसके अंदर आपको दी जाती है। उसी के साथ ही दोस्तों लैंप तो आपको देखने को मिल ही रहे हैं और साथ में मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर आप देखोगे बहुत ही बड़ी स्लाइडर अलमीरा इसके अंदर आपको दी गई है। तो तीनों बेडरूम्स जो आपने देखे हैं आप देख सकते हो कि कितने ज्यादा अच्छे और बड़े बिग साइज के स्पेस के साथ जो है स्लाइडर अलमीरा इसमें आपको मिल जाती है। ऊपर आप अगर फोर सीलिंग की डिजाइन की बात करिए
तो आप देख सकते हो कि दोनों पैर लगा के आपको भाई बहुत ही प्यारा सैंडल्स के अंदर आपको मिल जाता है। काफी ज्यादा यूनिक तरीके की फोर सीलिंग का डिजाइन आपको देखने को उसमें मिलता है। इसके साथ कॉमन अटैच बाथरूम आपको दिया जाता है। कॉमन अटैच बाथरूम भी आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा बड़े और अच्छे स्पेसेस हैं। यहाँ पर शावर, कॉमन अटैच बाथरूम, सारी की सारी फैसिलिटीज इसके अंदर आपको मिल जाती है। डायवेटर आपको दिया हुआ है कि अगर आप गीजर लगाते हो, गीजर इंस्टॉल करते हो, तो पानी को ठंडा गर्म करने के लिए भी डायवेटर इसमें बढ़िया क्वालिटी का भी इसके अंदर आपको दिया हुआ है। और गाइस ये है हमारा एलईडी पैनल जो पीवीसी बल्ब के साथ काफी ज्यादा अच्छे और बढ़िया लुक के साथ और बड़े स्पेस के साथ जो है एलईडी पैनल्स रूम के साथ आपको प्रोवाइड कराया गया है। दोस्तों तीनों रूम्स आपने देख लिए कि काफी ज्यादा अच्छे स्पेस के साथ जो है तीनों रूम प्रोवाइड आपको कराए हुए। अब हम चलते हैं, ये जो प्रॉपर्टी जैसे कि मैंने बताया है कि एल टाइप का इंडिपेंडेंट 3 BHK फ्लैट है 130 गज के अंदर। तो अब हम चलते हैं इसकी बालकनी की तरफ। तो गाइस ये देखिए, ये हमारे हैं इसकी बालकनी की तरफ। तो आप मेन रोड देखिए दोस्तों, ये 30 फुट का चौड़ा मेन रोड इसके अंदर आपको देखने को मिलता है और बिल्कुल ज्यादा जो है और वर्किंग रोड है। यहाँ से मेट्रो स्टेशन सिर्फ 500 मीटर के डिस्टेंस के अंदर है और यहीं पर ही जस्ट आप देखोगे जैसा कि मैंने कहा था एल टाइप की बालकनी है। बालकनी इतनी नहीं है, आप यहाँ पर देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में भी आप देखिए कि काफी ज्यादा बड़ी और चौड़ी बालकनी आपको मिल जाती है। पूरी बालकनी जो है बढ़िया क्वालिटी की टाइल से कवर करा के ऊपर जो है पीवीसी बल्ब इसमें जो है इसके ऊपर आप देख सकते हो कि लाइट एलईडी लाइट लगाकर भी पीवीसी बल्ब जो है एक्सटीरियर बल्ब जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बालकनी के अंदर डिजाइन करवा के हमने आपको दिया हुआ है। सो गाइस बात करें अगर इसके प्राइस के बारे में, तो इसका जो प्राइस है एल टाइप का 130 गज का इंडिपेंडेंट 3 BHK फ्लैट जो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलता है 65 लाख रुपीज का। जी हाँ दोस्तों, 65 लाख रुपए का इंडिपेंडेंट द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से यार 500 मीटर के डिस्टेंस के अंदर 30 फुट के चौड़े रोड के अंदर। दोस्तों 30 फुट के चौड़े रोड के अंदर मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 500 मीटर के डिस्टेंस के अंदर 65 लाख रुपए का आपको 3 BHK फ्लैट गणपति होम्स के अंदर मिल रहा है दोस्तों, जिसमें 90% बैंक लोन की फैसिलिटीज आपको मिल जाती है। और ऐसा मैं बोलना चाहूंगा सिविल डिफॉल्ट है कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, एक बार आप हमारे ऑफिस में आइए जिसकी टाइमिंग है 10 बजे से लेकर 7 बजे तक। और अगर आप कॉल करना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पे आप कॉल करके हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हो। और भी ज्यादा इस रेट के अंदर या इससे कम रेट के अंदर भी आप 3 BHK फ्लैट परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर 1 BHK 2 BHK 3 BHK अलग अलग बजट के हिसाब से हमने वीडियो इसके अंदर डाली हुई है, उसमें क्लिक करके आप पूरी वीडियोस देख सकते हो, विजिट टूर कर सकते हो। और सबमिट करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।